मैं तो तेरा परम मित्र हूँ, तेरे से मेरी बहुत भेंट हुई है, आश्रम में एक साथ पड़े, लेकिन इतनी विपन्नता मेरे घर में कभी नहीं कही। भजन करते हैं घर में परिवार में, अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति भगवान ना करे कि बने, लेकिन कभी बन जाए ना तो भगवान को याद करना। आखिरी में सुदामा जी भी भगवान श्री द्वारकाधीश की शरण में गए, उनने कृपा की और कृपा की तो जैसा वैभव द्वारिका में था वैसे ही वैभव सुदामा जी के यहाँ। कुछ नहीं था, तीन मुट्ठी चावल भी, और सुदामा जी जो है दूसरे के घर से मांग के ले गए थे, और यहाँ तक कि उसको चावल तो लिया है, लेकिन लेकर के कैसे जाऊं, वो बांधने की व्यवस्था नहीं थी, उस समय पन्नी नहीं चलती थी, कपड़े में बांधने जब सुशीला जी लगी ना तो कपड़ा भी इतना साबुत घर में नहीं था, अपनी साड़ी का एक पल्लू बांध फाड़ करके उसकी भी दो चार घड़ी करी और उसने जैसे तैसे वो चावल बांध करके दिए, ले जाना द्वारकाधीश को दे देना, मैं जानते हूँ तो मांगोगे नहीं, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, जब वो ये कपड़ा और ये चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे हम किस स्थिति में किस परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। सुदामा जी ने जाते समय सुशीला जी से इतना जरूर कह दिया था, देवी शरीर में राम नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल भूखा हूँ, कई दिन से अन्न का कण इसके अंदर नहीं गया है, द्वारिका बहुत दूर है, कहाँ पोरबंदर गुजरात और कहाँ द्वारिका, बहुत दूर है, पैदल जाऊंगा, हो सकता है मेरा शरीर मेरा वहां तक पहुंचे ही नहीं, बच्चों का ध्यान रखें। भगवान ने योग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका में बुलाया, सुदामा जी की नींद खुली, देखा बड़े बड़े भवन बड़े बड़े प्रासाद बने, किसी से पूछ लिया कृष्ण का और दरबार कहाँ है, उनका दुकान उनका भवन कहाँ है, तो कहा बाबा ये द्वारिकापुरी है, और यहाँ पर उनको कृष्ण नाम से कोई नहीं पुकारता, तो श्री श्री 1008 से द्वारकाधीश कृष्ण गए द्वार पे, द्वार पे जाकर के और कहा द्वारपालों से मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कह दिया बाबा आपको जो चाहिए, दाल चाहिए, आटा चाहिए, कपड़े चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती चाहिए, सब हम देने के लिए तैयार हैं, क्या चाहिए आपको हमसे कहिए। सुदामा जी ने कह दिया मुझे सिर्फ कृष्ण से मिलना है, तुम्हारे राजा से मिलना है और कोई काम नहीं। द्वारपाल भी नीचे से और ऊपर तक जब देखा तो सुदामा जी को कि पहला ऐसा कोई भगत आया है जो भगवान को मिलना चाहता है, अभी तक जितने भी आए सब आटा दाल सामान हीरे मोती लेकर के चल दिए, कोई तो आया जो भगवान से मिलना चाहता है। गया द्वारपाल भीतर जाकर के और कहा भगवान से प्रार्थना की नाथ एक भगत आए हैं और आपसे मिलना चाहते, कौन है। द्वारपाल ने और कहा आपका नाम लेता है तो उसकी आंख से जो है वो आंसू की धार बह जाती है, आपका नाम लेता है तो गदगदित हो जाता है, रोमांच हो जाता है उसके शरीर में और आंखों से आंसू की धार बह जाती है। कौन है, शीश पगा न जगातन पे प्रभु जाने को आई बसे ग्रामा, धोती फटी सी लटी लुपटी और पायल पायन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बले रयो चकिसो वसुधा विरामा, पूछ दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुधामा। जैसे ही सुदामा शब्द सुना भगवान उठे और दौड़े, कहीं मुकुट गिरा, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं पादुका छोड़ी और आज एक एक दो दो डोली को और लांग करके दौड़ करके जब जाने लगे पूरे और भवन
मन में हड़कंप मच गया। सारे दास दासी सेवक रानियां उनके पुत्र और देखने लगे कि आज ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जिससे मिलने के लिए भगवान इतने आतुरता से दौड़ते हुए जा रहे हैं। सब लोग भगवान के पीछे।